अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कराची के फेमस स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल एक्यूरेट परफेक्ट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ इसकी टिक्की की, चटनियों की, कि अगर कोई अपना छोटा मोटा ये स्टॉल खोलना चाहे ना तो बड़े इजीली खोल सकता है। इन शॉर्ट के आज जो है आप लोगों को ये कराची के स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब के सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे, आप वही वाला टेस्ट एग्जैक्टली घर पर क्रिएट कर सकते हैं। तो चले आए जल्दी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम कबाब बना लेते हैं, जो कि बेसिकली चने की दाल की टिक्कियाँ होती हैं। तो इसके लिए मैंने एक पाव चने की दाल एक घंटा पहले भिगो दी थी और अब इसका पानी जो है वो हमने ड्रेन ऑफ करके दाल इसमें ऐड कर दी है। साथ ही इसमें हम चिकन डालेंगे, जो कि टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि बाहर से जो कबाब मिलते हैं ना उसमें तो चिकन का नाम निशान भी नहीं होता। तो ये ऑप्शनल है कि आप डालना चाह रहे हैं और कितनी डालना चाह रहे हैं। मैंने जो है वो 200 ग्राम बोनलेस चिकन ली है, ठीक है। चिकन डाली है तो इस वजह से हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डालना पड़ेगा, एक चाय का चम्मच। अगर चिकन नहीं डाली तो अदरक और लहसुन का पेस्ट स्किप कर दें। डेढ़ खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 3 से 4 अदद बारीक वाली हरी मिर्चें, हसबे जायका नमक और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ ही इसमें हम 2 से 3 ग्लास पानी डालेंगे। बस इसमें यही स्पाइसेस है जो कि कुटी हुई लाल मिर्चों से स्टार्ट होकर गरम मसाले पर ख़त्म हो गए हैं, इसी का फ्लेवर बहुत मज़े का होगा। बस इसे जो है हमने मीडियम लो फ्लेम पर इतनी देर पकाना है कि चने की दाल जो है अच्छी तरह से गल जाए और फिर इसका पानी जो है वो इसी में ड्राई हो जाए। तकरीबन 20 से 25 मिनट में चने की दाल जो है अच्छी तरह से गल जाएगी और इसका पानी जो है इसी में ड्राई हो जाएगा। अगर पानी ड्राई ना हो तो फ्लेम को हाई करके आपने ड्राई कर लेना है, ठीक है। चने की दाल देखें बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब इसमें जो है हमने एक पाव ही उबले हुए आलू लेने, मतलब दाल, चने की दाल और आलू की जो क्वांटिटी है वो सेम सेम होनी चाहिए। आलू जो है मैंने उबाल कर डाले हैं। आपकी मर्ज़ी है कि जब चने की दाल थोड़ी गल जाए तो फिर आप उसमें आलू भी ऐड कर दें, मतलब आलू जो है वो चने की दाल के साथ ही आप बॉईल करें। मैंने अलग से बॉईल कर लिए थे, अब इसमें डालकर मिक्स कर लिए। फ्लेम को बंद कर दिया है और इस मिक्सचर को जो है अब रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं, जब तक हम चटनियाँ बना लेते हैं। चटनियों में सबसे पहले हम दही की स्पेशल चटनी की तरफ आ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पाव दही लिया है। साथ ही हम लेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 कप पुदीने के पत्ते, 1/2 कप धनिया, 2 खाने के चम्मच लीमू का रस, हसबे जायका नमक और 3 अदद बारीक वाली हरी मिर्चें। दही को छोड़कर इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। तो तकरीबन 1/2 कप पानी में मैंने उन सब चीज़ों का पेस्ट बना लिया है। अब इन्हें जो है हम दही के साथ मिक्स कर लेंगे। दही में वो सब चीज़ें डालकर आप ब्लेंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि दही को ब्लेंड करने से दही जो है ना वो बिल्कुल पानी बहुत पतला हो जाएगा। तो इस वजह से अलग से 1/2 कप पानी में आप इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और बस ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्ती दही की स्पेशल चटनी रेडी है। तो अब दूसरी चटनी की तरफ चलते हैं। अब दूसरी हम लोगों ने इमली की चटनी बनानी है, जो कि हम लोगों ने खट्टी मीठी नहीं बल्कि खट्टी और तीखी बनानी है। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 अदद बारीक वाली हरी मिर्चें लेंगे, 1/2 कप चीनी लेंगे, वाइट शुगर की जगह आप लोग ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, हसबे जायका नमक या फिर 1 चाय का चम्मच आप बोल लें, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा और 1/2 कप या फिर 1/4 कप आप समझ लें, मतलब काफ़ी सारा पुदीने के पत्ते। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने 1 कप गाढ़ा इमली का पल्प लिया है। इस सबको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे और ये हमारी इमली की चटनी भी रेडी हो गई। चटनी रेडी करने के बाद आपने जो है साथ ही वेजिटेबल्स कट कर लेनी है, जिसमें आपने बंद गोभी, खीरे, टमाटर और प्याज, ये तीनों चारों चीज़ें जो है आपने हसबे ज़रूरत यूज़ करनी है। इसमें से जो बंद गोभी है उसको आपने एक बोल में डाल लेना है और साथ ही इसमें हसबे ज़रूरत मेयोनीज़ डालकर इनका जो है एक मिक्सचर रेडी कर लेना है। तो ये जो है हमारा वो मेयोनीज़ वाली बंद गोभी रेडी हो जाएगी। तो सब कुछ रेडी हो गया है, अब वापस से हम चलते हैं कबाबों के मिक्सचर की तरफ। कबाबों का मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है कि पोटैटो मैशर की मदद से सिलबट्टे पर या फिर चॉपर में आपने इस मिक्सचर को अच्छी तरह से पीस लेना है, चाहे तो हाथ से ही पीस लें क्योंकि चने की दाल अच्छी तरह से गली हुई है। आलू भी बॉयल हैं और इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है कि जो पीसने में मुश्किल हो, ठीक है। तो इस मिक्सचर को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसकी जो है मैं टिक्कियाँ बना लूँगी। बाहर से जो है वो छोटी छोटी और बारीक सी टिक्कियाँ मिलती हैं, मैंने फिर भी थोड़े ये बड़े साइज़ की और लिटिल बिट मोटी बनाई हैं।
आप देख लीजिएगा कि आपने कैसी बनानी। इसी तरह से मैं साइड टिक्कियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर पूरा हमारे स्ट्रीट स्टाइल वाला सेटअप रेडी है। वेजीज हमने कट कर ली हैं, टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, इन्हें फ्राई करने के लिए अंडों को अच्छी तरह से फेंट लिया है, इमली की चटनी, दही की स्पेशल चटनी, मेयोनीज और बंद गोभी, केचप को भी हम लोगों ने पोर कर लिया है। तो चलें भैया अब एक सादा बर्गर लगाते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है कबाबों को फ्राई करने की। कबाबों को सिंपल जैसे हम अंडे में डिप करके फ्राई करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन आपने क्या करना है कि अंडे को आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से फेंटना है कि इसके ऊपर जो है वो झाग झाग सी बन जाए। जब वो झाग ख़त्म हो जाए तो अगेन आपने अंडे को अच्छी तरह से फेंटना है ताकि फिर से उसके ऊपर वो झाग बन जाए। यही तरीका जो है वो बर्गर बंस वाले करते हैं, तो आपने भी ऐसे ही करना है। कबाबों को फ्राई करके एक साइड पर करते जाएं। उसके बाद बारी आती है बंस को गर्म करने की। बंस को गर्म करने के लिए आपने थोड़े से ऑयल का यूज़ करते हुए इन्हें गर्म करना है। पहले जो है आप अंदर वाली साइड इनकी गर्म करें, उसके बाद फ्लेम को थोड़ा लो कर दें ताकि जब तक हम अंदर फिलिंग करेंगे जो बाहर वाली साइड है वो खुद ही गर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक साइड पर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे और दूसरी साइड पर हम इमली की चटनी लगाएंगे। इमली की चटनी जो है वो हम लोगों ने खट्टी मीठी नहीं बल्कि खट्टी और तीखी बनाई है, लेकिन फिर भी आपने जो है इमली की चटनी थोड़ी कम ही लगानी है। चटनी वाली साइड पर आपने प्याज के लच्छे डाल देने हैं। लच्छों के ऊपर आपने जो है एक टिक्की रखनी है। टिक्की के ऊपर जो है आपने मेयोनीज़ और बंद गोभी वाला मिक्सचर रख देना है। फिर इसके ऊपर आएगा खीरे और टमाटर। खीरे और टमाटर के ऊपर लास्ट में आएगा केचप की बरसात। सबसे आप बोलें कि मैं आपके साथ एक सबसे बड़ा सीक्रेट शेयर करूं, तो वो है कि आपने जो केचप है ना वो आपने लोकल यूज़ करना है। यकीन करें कि 35% जो टेस्ट है ना इन बंस का, स्ट्रीट स्टाइल वाले बंस का, वो जो है केचप से आता है। लोकल केचप यूज़ करें। मैंने भी ऐसे ही किया कि मैंने जो है आधा ब्रांडेड केचप और आधा जो है वो लोकल केचप खसूसी तौर पर ख़रीद कर वो इसमें मिक्स किए, क्योंकि चटनी बिल्कुल वैसे ही टेस्ट की बन गई, टिक्कियाँ वैसे ही टेस्ट की बन गई, इमली की चटनी वैसे ही टेस्ट की बन गई, बात आके ख़त्म ही केचप पर होती है। तो ट्राई कीजिएगा आपको जैसा भी अच्छा लगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त कराची के फेमस स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब रेडी हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके सामने है कि कितने ज़बरदस्त बने। अब आपने इस वीडियो को लाइक करते हुए जज करके बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।